हाँ जी, किदा ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ फ्राइडे व्लॉग। ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ये आजकल डेली का थोड़ा सा रूटीन बन गया है मेरा लेट होने का, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। गिल्टी एज चार्ज्ड के मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता हूँ मॉर्निंग्स में। तो रेस्टोरेंट पहुँचते ही मैंने मेक श्योर किया रेस्टोरेंट अच्छे से सेटअप कर देने के बाद गेस्ट्स को वेलकम रेडी रहने के लिए मैंने सेटअप कर दिया। एंड देन पार्ट लगाते ही फिर मैंने मिज़म प्लास चालू कर दिया मेरा। ऑफ कोर्स जब फ्राइडे होता है, फ्राइडे सैटरडे या संडे जो भी मिज़म प्लास होता है, वो मिज़म प्लास की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो या सेम यही हो रहा है कि मिज़म प्लास तो हो रहा है बट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसे कुक होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, या रेडी करने में भी, या जो प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऑफकोर्स मैंने राजमा और छोले अच्छे से वॉश करके उन्हें प्रेशर कुकर में कुक करने के लिए रख दिया, और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही मेरा डो नीड करके रेडी किया, और फिर ऑफकोर्स आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो फिर मैंने कैफीन बूस्ट के लिए मेक श्योर किया कि मेरी कोल्ड कॉफ़ी रेडी कर दूँ। फिर एक बार मुच सेट कर देने के बाद मैंने मेक श्योर किया मेरी मुच सेट रहे, और आज टर्बन भी कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी, ब्लैक कलर, तो मैंने वो चेरिश किया मेरी कोल्ड कॉफ़ी। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, लिमिट के बाहर, तो मैंने मेक श्योर किया कि मेरे जो वाटर बॉटल्स हैं वो भी अच्छे से फिल्ड रहे ठंडे पानी के साथ। और फिर ऑर्डर्स हमें आना चालू हो गए थे। आप देख सकते हैं ये जो सेटअप कर रहा हूँ मैं, हमारे जो ऑर्डर है वो है अमृतसरी चीज़ कुलचे का। तो जो सेटअप का वे होता है वो बहुत 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 पर्टिकुलर हूँ मैं उस चीज़ के बारे में कि कौन सी कब चीज़ जाती है, जो लेयर्स होती है बेसिकली वो कैसे होती है। जैसे आपने देखा पहले छोले की लेयर्स आती है हमारी कुलचे पे, जो मिनी कुलचा हम बनाते हैं, उसके बाद हमारा एक सैलेड होता है उसकी लेयर जाती है, उसके बाद हमारा चीज़ सॉस जाता है, उसके बाद हम ग्रेट करते हैं एक टाइप की चीज़, तो दो टाइप की चीज़ जाती है, और उसके बाद फिर हमारा एक स्पाइस मिक्स होता है पर्टिकुलर, वो स्प्रिंकल करते हैं हम, और फिर उसे गार्निश करते हैं हमारे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर से। तो आप देख सकते हैं क्लोजअप व्यू कितना ब्यूटीफुल लगता है हमारा अमृतसरी चीज़ टाकोस का, जो कॉम्बिनेशन होती है क्रीमी चीज़ एंड स्पाइसी आपके छोले, तो वो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देती है। उसे पैकेज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टाकोस है तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी पैकेजिंग भी हमेशा ऑन पॉइंट रहे। उसी के साथ ही साथ मेरा जो मिज़म प्लास था उसका कंटिन्यूस चालू था, प्रिपरेशंस बहुत सारा होता है ऑफकोर्स डेली बेसिस पे, जो मैं हर चीज़ नहीं बता पाता हूँ, तो ये वन ऑफ द थिंग्स है। ये हमारे जो अमृतसरी कुलचे की फिलिंग होती है पोटैटो फिलिंग, वो मैं यहाँ रेडी कर रहा था। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पाइसेस जाते हैं, स्पाइस मिक्स जाते हैं, ये जो मैंने अभी स्प्रिंकल किया ये अमृतसरी स्पाइस मिक्स हमारा एक हम बनाते हैं खुद ग्राइंड करके मसाले, बहुत स्पेसिफिकली बनाना पड़ता है ये, क्योंकि ये खुद की पर्सनल रेसिपी है। तो उसके बाद सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर देने के बाद फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया हमारे दूसरी ग्रेवीज की, जो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो ये हमारे जो राजमा है ब्यूटीफुल ऑलमोस्ट रेडी हो गए, इनको सिर्फ हल्का सा थिक करना था मुझे, तो मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा बॉईल देके हल्का सा थिक कर रहा हूँ, और हमारे ब्यूटीफुली राजमा रेडी हो गए हैं, क्रीमी ऑलमोस्ट थिन ग्रेवी, बहुत ज़्यादा थिन नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। उसके बाद हमारे छोले भी रेडी हो गए थे, तो मैंने मेक श्योर किया कि अच्छे से मिक्स करके चेक कर लूँ कि जो कुक प्रॉपर हो चुके हैं, सारे टेस्ट के लेवल्स फ्लेवर्स जो है वो ऑन पॉइंट रहने चाहिए, तो मैंने वो भी चेक कर लिया। हमारे ब्यूटीफुल ग्रेवीज रेडी हो गई थी यहाँ। उसके बाद मैंने हमारा जो ग्रीन चटनी की जो प्रोसेस होती है वो भी कंप्लीट कर ली थी अच्छे से, ग्रीन चटनी के लिए सारी चीज़ें चॉप करके उसे फिर ग्राइंड करके रेडी कर दिया था, और फिर आप देख सकते हैं हमारा अमृतसरी कुलचे की फिलिंग भी रेडी हो गई थी, और फिर इवनिंग हिट करते ही हमें ऑर्डर्स भी आना चालू हो गए थे, और साथ ही साथ हमारा मसाला भी बैकग्राउंड में कुक हो रहा था, और फिर ऑर्डर्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूस आ रहे थे। आज सरप्राइजिंगली मसाला कुलचा के और पनीर कुलचे के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे। ऑफकोर्स इवनिंग का पार्ट भी मैंने लगा लिया था फिर बैकग्राउंड में, एंड आप देख सकते हैं इवनिंग में कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। ऑफकोर्स आज फ्राइडे के हिसाब से इतना रश एक्सपेक्ट जितना किया था उतना नहीं आया था। ऑफकोर्स ये ऐसा बिजनेस है कि इतना 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 अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीकेंड्स पे भी आपको मे भी रश ना आए, और आपको पीक डेज पे रश ना आए, लेकिन आपको मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डेज पे भी रश आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है, तो ऑफकोर्स इसकी आदत अब हो चुकी है 1.5 साल से। तो ऑफकोर्स हम आप देख सकते हैं हमारे जो लास्ट ऑर्डर्स फिनिश किए हमने हमारे, एंड देन हमने हमारा रेस्टोरेंट क्लोज किया। ऑफकोर्स आज थोड़ा सा अपसेटिंग डे था बिकॉज इट वॉजेंट दैट बिजी एज वी एक्सपेक्टेड, बट ऑफकोर्स इट्स बिजनेस तो ये चलता रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।